मेरा तो इस सबसे भरोसा ही उड़ गया। पहले पूछते क्या चाहते हो, फिर बताते हम क्या देंगे। फिर जो थोपना होता है थोप देते हैं। तो तुम लोगों का डिसाइड हुआ कि नहीं कहाँ चलना है कल? देखो भैया, डिसाइड कर लो, फिर बाद में मुझसे मत कहना कि मैं यहाँ ले गया, मैं वहाँ ले गया, मैंने छुट्टी स्पॉइल कर दी एंड ऑल दैट। इस बार मैं ये कुछ भी नहीं सुनने वाला। पापा, पिछले 3 छुट्टियों से हम मामा के घर जा रहे हैं, इस बार चाचा के घर चलते हैं ना, प्लीज। देखो भैया, छुट्टी तुम लोगों की है, तुम लोग जहाँ डिसाइड करते हो मैं वहाँ चल देता हूँ। तुम लोग मम्मी के साथ मिलकर डिसाइड कर लो कि कहाँ चलना है, हम वहाँ चल देंगे। अब बेटा हमारा क्या है, हम तो मुसाफिर हैं। देखो, मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं मेरे भाई के घर ही जाऊंगी। एंड वेट, तुम्हें भी तो पता है तुम्हारा रेडियो वहीं रिपेयर होता है। नहीं मम्मी, प्लीज इस बार चाचा के यहाँ चलो, इन्होंने नया वाला वीडियो गेम लिया है। नया वाला वीडियो गेम लिया है? अरे रुको, इस तरह अपनी अपनी डिमांडें रखने से कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, बहू में चेक कर लेते हैं, जिसको जिसको चाचा के घर जाना है हाथ खड़े करो। अच्छा, आप ही डिसाइड कर रहे हैं, आपका वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन मैं इस घर का इम्पोर्टेंट मेंबर बोला ना था। तुम्हारा अनबायस रहना सबसे ज्यादा जरूरी है कि नहीं बच्चों? मामा के घर किस किस को जाना है हाथ खड़े करो। तो बहुमत के हिसाब से भी इस बार हमारे देश के युवाओं ने ही बाजी मारी है, और वो भी मेरा इम्पोर्टेंट वोट काउंट किए बगैर। इतराओ मत, ठीक है? इस घर की बहू मैं हूँ, इसलिए बहुमत मेरा। मैंने जो वोट किया है वहीं चलेंगे, बस कह दिया मैंने। अरे यार, ये तो जिद हो गई, हमारे देश में ऐसा थोड़ी ना होता है भला। बोलो ना चिंटू। सही बात है। हाँ, नहीं होता है, फाइन, आई विल गो देन। अरे सुनो तो, अब देखो बहुमत बहुमत छोड़ो, अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। कहाँ जाने से क्या फायदा हो सकता है वो देख लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे। ये ठीक लग रहा है। सोनू, कॉपी लेकर आओ। सो लेट्स गो पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 इज डिस्टेंस। चिंटू, वो ओपन दैट। हाँ अच्छा, सो चाचा होम इज 26.2 किलोमीटर्स एंड मामा होम इज 56.3 किलोमीटर। 56.3 किलोमीटर? डार्लिंग, पेट्रोल 79.6 रुपीज पर लीटर। एक मिनट, मेरा भाई मेरे घर पैसे बचाने तो नहीं आता? चाचा 1, मामा 0। नेक्स्ट योर रेडियो। हाँ बेटा, आई रियली लव दैट मंकी बात।
और तुम तो जानते हो मेरा रेडियो कितने दिनों से खराब पड़ा है। हाँ। तो एक बार तो तुम्हारे मामा के घर जाना बनता है। लेकिन वो तो अपने मोबाइल के रेडियो में भी सुन सकते हो। ना बेटा, तुम क्या जानो पुराने रेडियो का मजा। और वैसे भी वो रेडियो तुम्हारी नानी ने मुझे शादी में गिफ्ट किया था। अच्छा। तो चाचा मामा वन ऑल। अब वीडियो गेम। हाँ डार्लिंग, करंट जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए उनके साथ वीडियो गेम खेलना बहुत जरूरी है। अरे लेकिन आउटडोर गेम्स भी तो खेल सकते हैं ना। देखो मैं बता रही हूँ, माय ब्रदर इज अ गुल्ली डंडा चैंप। इतना मस्त। चाचा टू मामा वन। सो न्यूनेस ऑफ द ट्रिप। पापा, पिछले तीन छुट्टियों से तो हम मामा के घर जा रहे हैं, इस बार चाचा के घर चलते हैं। बात तो सही है। सो चाचा थ्री मामा वन। एंड फेशियल। फेशियल, फेशियल तो हम किसी भी पार्लर में से कर सकते हैं डार्लिंग। लेकिन तुम्हें ही तो वहां का पसंद है। हाँ पर डार्लिंग फेशियल तो तुम मेरा घर पर भी कर सकती हो। कम ऑन, मतलब उसके लिए तुम्हारे घर पर जाए नॉट वैलिड। पापा, चाचा ने नई कार भी ली है। अरे हाँ, टेस्ट ड्राइव तो बनता है यार। चाचा फोर एंड मामा वन। मुझे मेरी माँ से मिलना है। अरे लेकिन बच्चों को अपनी दादी से मिलना है। मुझे बात ही नहीं करनी है तुम लोगों से। तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ। देखो हमारे एक मेजर वोटर ने तो क्विट कर दिया है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम सारे प्रोस एंड कॉन्स सोच सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ जाना है। लेकिन दादी, अब क्या डिसाइड करना? वी वन, चलो कल चलते हैं चाचा से मिलने। एक्चुअली सो डिसाइडेड। यस, चलो बेटा बहुत टाइम हो गया, अब आप लोग सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। डैडी, ऐसा क्यों लग रहा है हम उल्टे जा रहे हैं? बेटा, मजा रास्ते में है, मंजिल में नहीं। लेकिन पापा, पेट्रोल। मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। पापा, क्या हम फिर से मामा के घर जा रहे हैं? बेटा, हम तुम्हारी माँ के भाई के घर जा रहे हैं। जैसे मेरे लिए मेरा भाई, वैसे तुम्हारी मम्मा के लिए उसका भाई। अब अल्टीमेटली जा तो भाई के घर ही रहे हैं ना। तो लेकिन वो कल का बहुमत मुद्दा वो सब क्या था? वो सबसे जरूरी प्रोसीजर है बेटा। कोई भी काम बिना प्रॉपर एनालिसिस के नहीं करते। मैं तुम दोनों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा हूं।
ये सब पूछना पाछना फालतू ड्रामा है। असली डिसीजन तो बंद दरवाजों के पीछे तब होते हैं जब हम सो रहे होते हैं। और उन दरवाजों के पीछे क्या होता है शायद ही हमें कभी पता चलेगा। बच्चों, मामा से नहीं मिलोगे। देख कितने वेश बदला रे, ओ देख कितने वेश बदला रे। ओ हाय वैसे चेज बदला रे, हो हाय वैसे चेज बदला रे, ओ बदला। अरे घुमा घुमा के कान पकड़ के जोर जोर से मसला, अरे घुमा घुमा के कान पकड़ के जोर जोर से मसला। ये देख कितने वेश बदला, ओ देख कितने वेश बदला रे। मुंह पे थूक के बोला बेटा खा लो चिंगम अच्छी है, खा लो चिंगम अच्छी है, खा लो चिंगम अच्छी है। जब भगत सिंह से भगत हुए हम बोले ये तो फ्री की देश भक्ति वाली मच्छी है। देख कितने वेश बदला,